गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं बनाऊंगा एक बहुत हेल्दी चीज़ ऐड कर रहा हूँ अपनी डाइट में, तो चाहो तो आप भी ऐड कर सकते हो। और ये बनाएंगे हम बेसन से और बीट रूट से, और बस और कुछ नहीं डालेंगे इसमें। नमक वगैरह, हरी मिर्च वगैरह जो आप टेस्ट के हिसाब से डालना चाहो हम डालेंगे। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले हम ले लेंगे दो बीट रूट, इसको चकुंदर भी बोलते हैं, ठीक है। अब इनको छील लेते हैं। तो इनको छील दिया है, अब इनको हम घिया कस से कस लेंगे, मतलब इसका चूरा सा बना लेंगे बढ़िया वाला। तो मैंने घिया कस रखा हुआ निकाल के, किधर गया तो था भाई। तो घिया कस मिल गया है, इसको थोड़ा बढ़िया बारीक करके छीलना है ना। तो चलो किस साइड से, इस वाला, ये वाला यूज करते हैं, सबसे छोटा है, ये इससे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है, और ये स्लाइस करने के लिए है। तो ये वाला यूज करेंगे, इसमें से निकलेगा ही नहीं, तो ये वाला यूज करेंगे। ये हमारे लिए बहुत हो गया है, मतलब मेरे लिए एक सर्विंग के लिए काफ़ी है। ये वाला मैं नहीं करूँगा, ये हम बाद में सैलेड में यूज कर लेंगे। तो ये वाला है जो एक सर्विंग है, ये बहुत है, एक छोटा सा मीडियम साइज बहुत होता है एक सर्विंग के लिए। तो ये है हरी मिर्च, और इसको भी हम कर लेंगे घिया कस, इससे कर ले या इससे कर ले जो मर्जी, क्योंकि बहुत बारीक होनी चाहिए, आपको मज़ा आ जाएगा खा के। तो मैं इससे ही कर लेता हूँ। तो इसमें हम मिला लेंगे साल्ट थोड़ा सा, स्वाद अनुसार जितना आपको चाहिए, मैं इतना सा मिला रहा हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर किसी और के लिए बना रहे तो ग्लव्स यूज कर लेना, मैं तो अपने लिए बना रहा हूँ, है ना। अपने हाथों से खाते भी तो हैं, पर हाँ दूसरे को अपने हाथ से नहीं खिलाते ना इसलिए ग्लव्स यूज कर लेना, दूसरे के लिए बनाओ तो, अपने लिए बना रहे तो कोई दिक्कत नहीं। तो भाई ये हो गया मिक्स, और ये बहुत ही ज़्यादा वाटरी हो रहा है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा पानी है नेचुरली अपने आप ही। तो इसमें हम बेसन मिला लेंगे, बेसन मोटे वाला होना चाहिए। इसमें सिर्फ इतना मिलाना है कि ये गाढ़ा हो जाए, रोटी के जैसे रोटी नहीं बनाते उसके जितना हो जाए, क्योंकि इसमें पानी तो मिलाना ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वाटरी है, मतलब पानी युक्त है ऑलरेडी, तो इसमें पानी नहीं मिलाना है। और इसमें थोड़ा थोड़ा करके बेसन को मिलाते रहना है कि ज़्यादा टाइट ना हो जाए, ज़्यादा लूज ना हो जाए, क्योंकि अभी इसमें और ज़्यादा बेसन मिलाने की ज़रूरत है। तो इसको ऐसे ऐसे करते रहना है जब तक ये बिल्कुल आटे की शेप ना ले ले, जैसा आटा नहीं होता उतना टाइट, बहुत ज़्यादा टाइट भी होना नहीं चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि इसकी एक रोटी का रूप ले ले बस। थोड़ी सी और ज़रूरत है अभी, थोड़ा और, दिखने में तो अच्छी लग रही है पर टेस्ट में कैसी लगेगी खा के बताऊंगा, है ना। तो इसको करते रहो कुछ कुछ की जब तक नहीं हो रहा है।
तो भाई इसने ले लिया है रोटी बनने के लिए रूप, मतलब इसने अभी इसको रोटी बनाने के लिए तैयार हो गया। मेरी हिंदी कैसी हो गई है आजकल। चलो फिर तैयारी करते हैं। अब मैं इसको इसके ऊपर रख के यहाँ पे मैंने बेसन लगा दिया थोड़ा सा कि इस पे चिपके नहीं, है ना। और अब इसको रोटी जैसा कर देंगे, ऐसे गोल गोल घुमा घुमा के रोटी जैसा हो जाएगा। इसको जितना बड़ा, ये एक सर्विंग है, ये जितना बड़ा इसका साइज होगा उतना बड़ा हो जाने देना, है ना। तो चलो बना देते हैं इसको। भाई ये गोल हो गया है, अब इसके नीचे लगा देते हैं आग और इसको सिकने देते हैं। एक्सपर्ट तो है नहीं, पूरा गोल नहीं हुआ, पर हाँ जितना भी गोल हुआ सही हुआ है ना। पकने देते हैं इसको। तो जब तक ये बन रहा है मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप कर रहे हो गेनिंग तो ये आपके लिए बढ़िया है, बहुत सिंपल है। बीट रूट लो उसको, मतलब चकुंदर लो, उसको कस दो, पानी नहीं मिलाना उसमें, बस थोड़ा थोड़ा मिलाते जाओ बेसन, और वो जब गाढ़ा हो जाए रोटी आटे जैसा, और उसको ऐसा फैला के सेक दो और बस खा जाओ, है ना। अगर गेनिंग कर रहे हो तो सबसे अच्छा है ये, ऐड कर लो। मैंने ऐड कर लिया है, अब मैं डेली एक खाया करूँगा मस्त। सिम रखनी है क्या आँच नीचे इसके? है ज्यादा तेज में जल भी सकता है। तो भाई एक्सपर्ट्स की सलाह लेते रहे बीच बीच में, ठीक है। तो आग थोड़ी धीमी कर देते हैं और इसको सिकने देते हैं इस साइड से। इसको पलट लेते हैं। ये बात देखा कैसे पलटा नाइस, मुझे लगा ये फैल जाएगा वीडियो के चक्कर में, पर ये तो बढ़िया बन गया। तो भाई ये बन के हो गया रेडी, और अब इसको मैं खाऊंगा, मुझे लग रही भूख, ये देखने में अच्छा लग रहा है मुझे। तो भाई इसमें मैंने मिला लिया है घी, हाँ लगा लिया है, इसमें मैंने घी लगा दिया है और इसको मैं खाऊंगा, ठीक है। भूख लग रही है, देखने में अच्छा लग रहा है मुझे बहुत, अभी खा के बताता हूँ कैसा है। थोड़ा टाइट है पर वाह मजा आ गया, बहुत स्वाद लग रहा है। नमक थोड़ा कम है पर अच्छा है, तो नमक मैं इसमें डाल लूंगा ऊपर से। तो अगर आप गेनिंग पे हो ना तो ये वाले ट्राई करो डाइट, ये ऐड कर लो एक सर्विंग बस, एक चकुंदर रोज, और इससे तुम्हें क्रिएटिन भी मिलेगा, चकुंदर में बहुत ज़्यादा होता है। और दबा के जिम मारो और वर्कआउट करो और बढ़िया मसल बनाओ, है ना। तो चलो फिर ये था आज का मेरा ब्लॉग। इसके साथ आप लस्सी भी पी सकते हो। तो ये था आज का मेरा ब्लॉग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके जाना, और पहले से ही सब्सक्राइबर हो तो थैंक यू सो मच। कमेंट भी कर लो, कुछ बात हो तो पूछो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक लिए टाटा बाय।